हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, वेरी क्विक वीडियो। आप मनी को अपने जीवन में कैसे ला सकते हो, बहुत सरल सिंपल उपाय है, सिर्फ एक उपाय है, पर आपको करना है। अगर आपने कर लिया तो यू कैन हैव मैजिक इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे कि कैसे पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं इसीलिए सारे वीडियो लगभग इसी से रिलेटेड बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो मनी की एनर्जी है बहुत लेस मीन्स बहुत नेग्लेक्टेड है। हमारी ट्रेडिशनल वे में हम इसको अप्रिशिएट करना नहीं सिखाया जाता, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे लैक लिमिटेशंस के बिलीव है। और मैं आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स को ख़त्म करना चाहती हूँ। इट्स अ गुड एनर्जी, आप अप्रिशिएट करो, उसको मैनिफेस्ट करो। व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? काम तो हर कोई कर रहा है, हार्ड वर्क भी कर रहा है, बट क्या वो उतने सक्सेसफुल हैं? नहीं है। जिनका माइंडसेट भी उसके साथ काम करता है वही सक्सेसफुल है। और एनर्जी तो मैग्नेटिक होती है, आप एक बार उसको यूज करना सीख जाओ, हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, तो कैसे मनी को मैनिफेस्ट करोगे? मनी को मैनिफेस्ट करने का सबसे बेहतरीन उपाय है इंक्रीज योर वाइब्रेशन। जो लोग नहीं समझते हैं कि वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन एक तरह की लहर या वेव्स है, या लाइट आप उसको कह सकते हो, जो हमारे शरीर के चारों तरफ रहती है। कहीं ना कहीं ये जो है हमारी सोच के थ्रू चेंज होती रहती है, और जब ये यूनिवर्स में जाता है, जब ये वाइब्रेशन जाते हैं, वेव्स जाती हैं, ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन लिए रहती हैं। ये जो सिग्नल इन्फॉर्मेशन एक सिग्नल के रूप में रहता है और यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स या जो ब्रह्मांड है वो सिग्नल के हिसाब से ही आपके पास दोबारा वही सिग्नल भेजता है। मीन्स वो मल्टीप्लाई होके वो आपके पास आएंगे। तो अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहती हो तो आपको मनी के बारे में ऐसा सोचना है कि ये मेरे पास है, और फिर आप कैसा महसूस करोगे? या मैं वेलकमिंग कर रहा हूँ, मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ, तो कैसा महसूस करोगे? और जब आप ये ऐसा महसूस करोगे तो आपकी चारों तरफ की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो चेंज होनी शुरू होती है। और वो जो चेंज हुई ऊर्जा यूनिवर्स में जाती है, वो कई गुना होकर आपके जीवन में आती है। बस सिर्फ इतना सा ही गेम है। अगर आप इसको समझ गए तो आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, मनी मैनिफेस्ट वही करना चाहेगा जिसके पास है नहीं। अब आप सोचिए कि जिसके पास है नहीं, जो इस तरह की फीलिंग में है, उदास है, थक गया है, हर जगह हाथ पैर मार के देख लिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उसको जो काम नहीं करना इच्छा नहीं है वो भी करना पड़ रहा है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, उसको आप सोचोगे कि वाइब्रेशन हाई हो जाए तो ये कैसे संभव है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको करना पड़ेगा, अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सिर्फ यही एक उपाय है। तो साहस दिखाओ, बी करेजियस टू बी हैप्पी, खुश रहने की कोशिश करो, सिर्फ ऊपरी दिखावे से नहीं, इंटरनली। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हंसते रहो या लोगों के साथ मस्ती मजाक करते रहो, वो आउटर वर्ल्ड में थोड़े टाइम के लिए रहता है, बट जब आप अकेले रहोगे, जब आपको जिम्मेदारियों का एहसास होगा, तो आप फिर से कहीं ना कहीं अपने पुराने वाइब्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, उदास हो जाओगे। वहाँ आपको काम कर रहा है, वहाँ उदास नहीं होना है। और वो कब आएगा? मेडिटेशन से आएगा। आप शांत होके बैठिए, अपने आप को साहस दिखाइए, क्योंकि आप एक्चुअली साहसी ही हो, आप भूल गए हो, क्योंकि आपने जितना एक्सपीरियंस किया आउटर वर्ल्ड में कि हर जगह आपको हार मिली, आपके साथ सही नहीं हुआ, तो आपको वो एक्सपीरियंस आपके ओरिजिनल जो आप हो उस पर हावी हो रहा है। तो अपने उस ओरिजिनल सोर्स को बाहर निकलने का मौका दीजिए, कोशिश कीजिए टू बी हैप्पी। भले आपको शुरुआत में आप जब ऐसा बोलोगे आई एम हैप्पी, तो आपको क्या लगेगा, ये सबसे बड़ा गलत है, ये सबसे रॉन्ग चीज है, ये बिल्कुल सफेद झूठ है, मैं खुश हूं ही नहीं। बट जब आप इसको बार 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 बोलने लगोगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको बिलीव करने लगेगा कि हाँ ये खुश है। और जब आप खुश रहने लगोगे तभी आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, और थैंक यू बोलने लगोगे। अभी आपको लगेगा कि थैंक यू किस चीज़ के लिए बोले, कुछ होना तो चाहिए थैंक यू बोलने के लिए, तो हजारों ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप थैंक यू बोलो। अगर आपके पास एक रुपए भी है, कहीं से भी आया, कैसे भी आया, पर है, आपने यूज़ किया, तो आप थैंक यू बोलिए। आप अपने बैंक बैलेंस को थैंक यू बोलिए,
थैंक यू गॉड, आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन माई बैंक बैलेंस। और फिर धीरे धीरे आप अपने बिलीव के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वाइब्रेशन को हाई करने के लिए दो काम करना, एक तो विजुअलाइजेशन, दूसरा एफर्मेशन। विजुअलाइजेशन में आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले भले ही आप कितने दुखी हो, कुछ भी हो, पर आपको उस समय खुश होने की कोशिश करना है, साहस दिखाना है, अपने ओरिजिनल सोर्स को महसूस करने की कोशिश करना है। फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं उसको भूल जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, मेडिटेशन करो, और ध्यान हटाने के लिए आप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो, आपका ध्यान पूरा हट जाएगा, बाहर आपके साथ क्या हुआ पूरा हट जाएगा। और उसके बाद फिर आप विजुअलाइज करना शुरू करो, मेक मनी वाइल यू स्लीप, जब आप सो रहे हो तब आप पैसा बनाओ, रिसीव करो, इमेजिनेशन में करो। शुरुआत में लगेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है, क्या रिसीव क्या कुछ नहीं, बट एक बार ट्राई करो, सीन क्रिएट करने की कोशिश करो। एक बार दो बार जब आप बार बार करने लगोगे तो आपको क्लियर पैसा दिखने लगेगा, आपके वो जो सीन है वो क्लियर दिखने लगेगा। तो सोते हुए सबकॉन्शियस माइंड में आपको इमेजिनेशन करना है कि आप पैसा बना रहे हो, मीन्स आप पैसा अर्न कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। और दूसरा काम आपको जो करना है एफर्मेशंस, आप कितने दुखी हो, कुछ भी हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ, म्यूजिक सुनो और खुश होके बोलो, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ मनी, आई एम वर्दी, मीन्स मैं डिजर्व करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम को, मैं डिजर्व करता हूँ मनी को, मैं डिजर्व करता हूँ रिचनेस को, इट्स माई बर्थ राइट। मैं अगर इस पृथ्वी पे आया हूँ तो ईश्वर ने मुझे वो सारे अबंडेंस भी मेरे साथ भेजे हैं, और नाउ आई एम रेडी टू रिसीव, मैं देखने के लिए तैयार हूँ उस अबंडेंस को, मैं लेने के लिए तैयार हूँ उस अबंडेंस को, और थैंक यू बोलो। और पूरे टाइम जब भी आपको याद आए ये एफर्मेशंस आप बोलते रहो, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम डिजर्विंग मनी, आई एम वर्दी ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ मनी इज कमिंग टू मी इजीली, और मेरी सप्लाई यूनिवर्स से है, मैं सिर्फ इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता हूँ, मीन्स उपस्थित हूँ, इट इज इनफ टू रिसीव मनी, बस मेरा यहाँ उपस्थित होना ही मैं डिजर्व करने के लिए बहुत है कि मैं पैसे ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। इस तरह से आप बार बार मनी अफर्मेशन बोलो, एक ना एक दिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और मनी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। यस माई डियर फ्रेंड, इट रियली रियली वर्क्स, आप ये करो। और उसके बाद में आपने कितने दिन में कितनी मनी मैनिफेस्ट की, वापस आप इस वीडियो को देखने आओ और उसमें कमेंट करो, और मुझे पता चलेगा कि हाँ इट ऑल्सो वर्क फॉर यू। ये सब कुछ साइंटिफिक है, हम इमेजिनेशन में जो क्रिएट करते हैं, हम जो बोलते हैं, वही हमारा भविष्य बनाता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू रेज योर वाइब्रेशन ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट मनी क्विकली इंस्टेंटली। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब